बच्चों आज हम लोग सिलेबस के अनुसार पार्ट फोर श्राप मुक्ति पढ़ेंगे। ये पार्ट जो है मैं रिवीजन करवा रही हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को विस्तार से पार्ट को बतला चुकी हूँ। इस पार्ट में बतलाया गया है कि बचपन की एक भूल जो है किसी के जीवन में किस प्रकार बदलाव ला सकती है। इस कहानी में मंटू और बब्बू दो दोस्त हैं, जो आज मंटू जो है एक नेत्र चिकित्सक के रूप में दिल्ली में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। बब्बू जो है उसकी दादी माँ की आंखें कमज़ोर हो गई हैं, तो उसको ले करके वो दिल्ली जाता है डॉक्टर प्रभात के पास, और वहाँ पर डॉक्टर प्रभात जो है उसको मुस्कुराते हुए उन दोनों का स्वागत करते हैं, और बातचीत के दौरान पता चलता है कि दोनों एक ही स्थान से या एक ही स्थान के रहने वाले हैं, और इस प्रकार बातचीत का दौर आगे बढ़ता है। और जब वे दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं तो बहुत अचरज होते हैं और खुशी का ठिकाना नहीं होता है। परंतु डॉक्टर प्रभात जो हैं, दादी का चेहरा देखते ही उसके मन में जो खुशी थी, उनके चेहरे में जो खुशी भाव थी वो लुप्त हो जाती है। और इधर दादी भी जो याद करते हुए कहती है कि कहीं ये वही लड़का तो नहीं, मंटू तो नहीं। और इस प्रकार दोनों जो हैं थोड़ी देर के लिए गंभीर रूप से चुप हो जाते हैं, और तब तक डॉक्टर प्रभात जो हैं दादी का इलाज करा करके कुछ दवाइयाँ लाने के लिए देती है, जिसको दादी जो है लेने से इनकार करती है। बचपन की कुछ भूल के कारण दादी जो हैं कहती है कि मुझे अपनी आँख का इलाज डॉक्टर से नहीं करवाना है, और क्योंकि मंटू और बब्बू जब छोटे थे तो मोहल्ले में तीन कुत्तों की जो पिल्ले थे, बच्चे थे, उनमें उनके आँखों में आग का जहरीला पदार्थ डाल करके आँखों को अंधा कर दिया था। और वो कष्ट को याद करते हुए दादी जो है याद करती है, वो अभी भी उस कष्ट को भूली नहीं, और बाद में बोलती है कि जो कुत्ते के बच्चों का आँख को फोड़ डाला वो नेत्रों की क्या इलाज करेगा, और मुझे उसे अपने आँखों की इलाज नहीं कराना है। और इस प्रकार दादी जो है बहुत ही जिद में आ जाती है, और फिर वो बिना इलाज करने के लिए वो तैयार ही नहीं होती है, तो बहुत समझा बुझा करके बाद में दादी के आँखों का इलाज दादी अपने आँखों का इलाज कराने के लिए तैयार होती है। और इस प्रकार डॉक्टर जो हैं अपनी बचपन के एक छोटी सी भूल के कारण वो अपना जीवन में एक मतलब बहुत ही हम लोग जैसे कोई चीज़ को भूल कर देते हैं तो हम लोगों को अपने में बहुत ही बुरा लगता है, ठीक वैसे ही डॉक्टर प्रभात को भी बहुत ही दुख हुआ, और वो उसी समय प्रण लिए कि मैं नेत्र चिकित्सक बनूंगा। और अपनी सेवा दे करके अपना जो मन में उनका जो श्राप था उसको दूर करूंगा। और इस प्रकार डॉक्टर प्रभात जो हैं एक नामी नेत्र चिकित्सक बनते हैं, और इधर दादी भी जो है डॉक्टर प्रभात से आँखों का इलाज कराती है और उसे इस श्राप से मुक्ति देती है, और मतलब माफ़ कर देती है, और उसके
सर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए कहती है कि जीते रहो लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। और उसे बहुत सारा आशीर्वाद देती है और उसके बाद में इधर दादी जो है इस खुशी में, मतलब लोग आपस में मिठाई वगैरह खाते हैं और दादी की आंखों की भी रोशनी ठीक हो जाती है। और इस पाठ से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि अपनी गलतियों से सीख लेना मनुष्य की विशेषता है। यदि हम कोई भी गलती करते हैं तो उसको सुधारना हमारा कर्तव्य है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कठिन शब्दों के अर्थ आपके पाठ में दी गई है, तो उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और मौखिक प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में, हिंदी कॉपी में लिखेंगे। बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने लेखक कहाँ गया? बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने लेखक दिल्ली के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के क्लिनिक पर गया। यहाँ आपके पाठ में फर्स्ट पैराग्राफ में दी गई है, आप उसको यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से बना करके लिखिएगा, बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात का क्लिनिक जरूर लिखिएगा पर गया। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर प्रभात ने दादी की आंखों की इलाज किसकी सहायता से की? तो डॉक्टर प्रभात ने कई उपकरणों एवं यंत्रों की सहायता से दादी की आंखों का इलाज की। यहाँ पर देखिए, डॉक्टर प्रभात ने दादी के आंखों का इलाज कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता से की, इसको लिखिएगा। डॉक्टर प्रभात कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर प्रभात इलाहाबाद के रहने वाले थे। डॉक्टर प्रभात ने बचपन में किसकी आंखें फोड़ दी थी? डॉक्टर प्रभात ने बचपन में कुत्ते के बच्चे की आंखें फोड़ दी थी। लघु उत्तरीय प्रश्न, डॉक्टर प्रभात ने दादी का स्वागत किस प्रकार किया? डॉक्टर प्रभात ने दादी का स्वागत मुस्कुराते हुए किया। आग के पत्ते क्यों नहीं तोड़ने चाहिए? आग के पत्ते से निकलने वाला दूध जैसा तरल पदार्थ जहरीला होता है, इसलिए पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। मंटू ने पिल्लों के साथ क्या किया? मंटू ने पिल्लों की आंखों में आग के पत्तों का दूध डालकर उनकी आंखें फोड़ दी। दादी ने डॉक्टर प्रभात के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए क्या कहा? दादी ने डॉक्टर प्रभात के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारे आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। डॉक्टर प्रभात की मुस्कान अचानक क्यों लुप्त हो गई? बचपन की एक दुखदायी घटना याद आने से डॉक्टर प्रभात की मुस्कान अचानक लुप्त हो गई। डॉक्टर प्रभात ने बचपन में कौन सी शरारत की थी? डॉक्टर प्रभात ने बचपन में आग के पत्तों से निकलने वाले जहरीले दूध को
पिल्लों की आंखों में डालकर उनकी आंखें फोड़ दी थी। बब्बू द्वारा मंटू के पाप का भेद खोल दिए जाने पर घर वालों ने उनके दोनों हाथ साथ से किस प्रकार व्यवहार किया? बब्बू द्वारा मंटू के पाप का भेद खोल देने पर मंटू के पिता ने मंटू की पिटाई की। बब्बू को भी इस कारण बहुत कुछ सुनना पड़ा। डॉक्टर प्रभात को श्राप से मुक्ति कैसे मिली? डॉक्टर प्रभात ने नेत्र चिकित्सक बनने पर श्राप से मुक्ति मिली। यहाँ पर कुछ निम्न वाक्यों को घटना के क्रम में लिखिए। इसको आप लोग कॉपी में मत लिखिएगा, अपने किताब में ही हल कर लीजिएगा। जैसे कि तुम्हारी आंखों की ज्योति, ये हो जाएगा 4 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 1, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। अब है आपका मुहावरे। मुहावरे को भी आप लोग अपने इसी किताब में ही बनाइएगा। जैसे कि है टस से मस ना होना, अपने स्थान से ना हिलना। सुरेश का या सुरेश को उसका भाई बाजार जाने के लिए कह रहा था, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। हृदय से लगाना, आलिंगन करना या गले से लगा लेना। चित्रकूट में राम ने भाई भरत को हृदय से लगा लिया। मुस्कान लुप्त होना, उदास हो जाना। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण रवि के चेहरे से उसकी मुस्कान लुप्त हो गई थी। भला बुरा कहना, अपशब्द कहना। मनीष इतना दुष्ट है कि अपनी माँ को भी भला बुरा कहता रहता है। आप यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और सर्वनाम को छांटना है। तो संज्ञा जो है, संज्ञा जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो संज्ञा है। दादी आँखों, ये संज्ञा में सर्वनाम कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए सर्वनाम है, मैं तुम्हारी, और पिल्ले दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा है। तो यहाँ पर संज्ञा जो है दूध, पिल्ले और आंखों। अब है जब सब लोगों ने मंटू को भला बुरा कहा, तो यहाँ पर सब लोग जो हो जाएगा सर्वनाम और मंटू हो जाएगा जो संज्ञा। अंधा, अंधापन। यहाँ पर लड़का शब्द में पन प्रत्यय लगाकर लड़कपन शब्द बना है, जो भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार नीचे लिखे गए शब्दों में पन प्रत्यय लगाकर, तो यहाँ पर हो जाएगा पन लगा देने से अंधापन, और यहाँ पर हो जाएगा बचपन, धुंधलापन। बालक हो जाएगा यहाँ पर, बालपन भी होगा, बालपन भी हो सकता है और बालकपन, बालकपन ये दोनों होगा। अब यहाँ पर रचनात्मक कार्य है जो, इसको आप लोग, मैं बता दे रही हूँ, आप लोग अपने से कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बताइए कि कौन कौन से कार्य करने के लिए आपको मना किया जाता है। जैसे गंदे कपड़े पहनने के लिए, अनुशासनहीनता करने के लिए, अपशब्द कहने के लिए, अधिक टीवी देखने के लिए, किसी भी जीव को सताने के लिए,
अब देखिए यहाँ पर क्या आप इनके विषय में क्या जानते हैं, लिखिए। दांतों के रोगों को ठीक करते हैं, मैं बता दे रही हूँ, आप लोग अपने से कीजिएगा। दांतों के रोगों को ठीक करते हैं, ये हो गया। आँखों के रोगों की चिकित्सा करते हैं, और मनोरोग चिकित्सक जो है वो आपका मानसिक रोगों का इलाज करते हैं। शैली हो गया, चिकित्सक जो है ऑपरेशन द्वारा इलाज करते हैं। नेत्रदान महादान विषय पर निबंध है, इसको रहने दीजिए, इसको मत कीजिएगा। ये पाठ को मैं जो भी क्वेश्चन आंसर बताई हूँ आप लोग पूरा करके इसको हिंदी कॉपी में कंप्लीट कीजिएगा।